11 स्पेशल में सबसे पहले बात आज रांची बस स्टैंड की। दरअसल रांची के खादगड़ा बस स्टैंड राज्य का सबसे बड़ा इंटर स्टेट बस स्टैंड है। सैकड़ों बसें यहां से खुलती है, हजारों यात्री आते जाते हैं। सरकार का यहां से करोड़ों रुपए की कमाई भी होती है, फिर भी बस स्टैंड असुरक्षित है। सुरक्षा के कोई इंतजाम बस स्टैंड पर नहीं है, ना तो फायर ब्रिगेड की तैनाती है, ना ही एम्बुलेंस सुविधा की। बस मालिक, कर्मचारी और यात्री दहशत में रहने को मजबूर हैं। आखिर क्यों है ऐसी हालत बस स्टैंड की, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में आग का तांडव। बस स्टैंड में खड़ी 8 बसों में लगी भीषण आग। पहले एक, उसके बाद 3, फिर 4 बसों में लगी भीषण आग। एक घंटे में स्टैंड की 3 अलग अलग जगहों पर हादसा। साजिश के तहत बसों में आग लगाने की आशंका। सीसीटीवी फुटेज में स्टैंड में घूम रहे संदिग्ध पर शक। क्या सुरक्षित नहीं है राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड? राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में गुरुवार को आग का तांडव देखने को मिला। एक के बाद एक 8 बसें जलकर खाक हो गई। पहले एक बस में आग लगी, उसके कुछ मिनटों बाद 3 बसों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बस स्टैंड में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाकर वापस लौट रही थी, तभी 4 बसों में फिर आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस धूं धूं कर जल गई। फायर ब्रिगेड की टीम को फिर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की सुविधा प्रॉपर 24 घंटा यहां पर ही चाहिए, क्योंकि यहां पर हजारों हजार लोगों का डेली का आवागमन होता है। इतनी बड़ी स्टैंड में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ 4 नल लगा हुआ है जिससे आदमी सिर्फ पानी पी सकता है। अगर किसी को आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए पानी खोजना पड़ेगा कि पूरे स्टैंड में पानी कहाँ मिलेगा। अगर सरकार के नज़र में हम लोग देखा जाए तो सुरक्षित नहीं है। इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ इससे पहले भी 3-4 दफ़ाएँ हो चुकी है। ये हाल के मैं बताता हूँ, ये लास्ट ईयर दीपावली में भी आग लगी है, जिसमें एक हमारे यहाँ के निवासी जल के मर गए। बकरीद के दिन आग लगी की घटना से बस स्टैंड के लोग काफी आक्रोशित दिखे। बस मालिकों ने कहा कि साजिश के तहत बस में आग लगाई गई है, स्टैंड में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। स्टैंड में ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है और ना ही फायर ब्रिगेड की टीम की स्थायी व्यवस्था है। स्टैंड के कई इलाकों में सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। बाकी जाके देखिए आप ITR में या बस डिपो में। बस डिपो जो सरकार लाया था, मुख्यमंत्री का महत्व अच्छी योजना लाया था कि हम अच्छा सेटअप देंगे सवारी को। जाइए देखिए, ना पीने का पानी है, ना शौचालय है, चारों तरफ कचड़ा है, कादो है, ITR की वही हालत है। बस व्यवसाय की तरफ किसी का ध्यान नहीं, खाली रेवेन्यू जनरेट करके निकाल लेना है, बस यही हो रहा है। यार क्या हो सकता है, मेरी सरकार है, मेरी सरकार इस झारखंड में है और क्या दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि आके खादगढ़ में आके देखे और आपके जो समर्थन है उसको पैसा दे। खादगढ़ा बस स्टैंड से हर सैकड़ों बसें और हजारों यात्रियों को लेकर आती जाती है। ये बस स्टैंड इंटर स्टेट बस स्टैंड है, राज्य का सबसे बड़ा स्टैंड है। लगातार हो रही इस तरह की घटना के बाद कर्मचारी और यात्री दोनों चिंतित है। सभी लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। बीते दीपावली के त्योहार के दौरान मून ट्रेवल्स में आग लगने के कारण 2 बस कर्मियों की मौत हो गई थी और अभी यह मामला पूरी तरह से शांत ही नहीं हुआ था कि महज 1 घंटे के अंदर में खादगड़ा बस स्टैंड के 3 अलग अलग जगहों पर आग लगने से करीब 8 बसें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अब सवाल यही उठता है कि खादगड़ा बस स्टैंड में
काम करने वाले कर्मचारी और हजारों की संख्या में हर दिन सफर करने वाले सवारी खादगरा बस स्टैंड में कितने सुरक्षित हैं? अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरान, न्यूज अलावान, रांची। तो देखिए, आज रांची के खादगड़ा बस स्टैंड सबसे बड़ा राज्य का बस स्टैंड कहलाता है और आज एक बार फिर एक के बाद एक करीब 8 बसों में आग लगी। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेंगे ही। सवाल इसलिए भी क्योंकि इससे पहले दीपावली में भी इसी स्टैंड में आग लगी थी और उसमें बताया गया कि एक खलासी की जलकर मौत हो गई। तो सवाल आज भी यही है कि इतनी लापरवाही क्यों, क्योंकि जो वहां पे यात्री थे उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, सरकार तमाम वादे करती है, दावे करती है, लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए वो सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं आए दिन होते रहती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्यव्रत, ये बताइए कि आज रांची की जनता, यानी रांची छोड़ दीजिए, आज पूरे झारखंड के लोगों ने देखा कि किस तरीके से खादगड़ा बस स्टैंड में तांडव हुआ। एक के बाद एक करीब 2 घंटों में 8 बसें जल गई। इससे पहले दीपावली के दिन भी जली। सरकार को ऐसा लगता है कि इसकी परवाह नहीं है, या फिर सिर्फ राजस्व कमाने के लिए बस अड्डा खोल दिया गया है, चाहे उसमें पब्लिक जले या बस जले, साजिश या लापरवाही? सत्यव्रत, देखिए, फिलहाल यह साजिश है या फिर लापरवाही, उसे लेकर जो पुलिस है वो अनुसंधान कर रही है। लेकिन सही कहा आपने कि हाल में बीते दीपावली के त्योहार के दौरान जिस तरह की घटना खादगरा बस स्टैंड में हुई थी, मून बस के 2 कर्मचारी थे जिनकी झुलसने से मौत हो गई, और शायद इस घटना के बाद भी खादगरा बस प्रबंधन के लोगों ने, या फिर ये कहे जिला प्रशासन और नगर निगम ने, शायद उस घटना से कोई सबक नहीं ली थी। यही कारण है कि इस तरह की घटना एक बार और घटी। और आपने सही कहा कि बड़ी घटना थी और बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन शायद ऊपर वाले का शुक्र था, आज बकरीद का त्योहार था, कि सिर्फ बसों में ही आग लगी। आप समझिए दीपक कि जो खादगरा बस स्टैंड है वो राज्य का सबसे बड़ा स्टैंड है। यहाँ से सिर्फ अपने राज्य झारखंड के ही दूर दराज जिलों में के लिए नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी जो है वो बसें खुलती है। यहाँ से हर दिन हजारों की संख्या में जो यात्री है वो बस से दूसरे राज्यों का जो है वो सफर तय करते हैं। सैकड़ों की संख्या में जो बस के कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, खलासी हो, या फिर बस के बिजनेस से जुड़े जो लोग हैं, वो हर वक्त मौजूद होते हैं। अगर वैसे में कोई बड़ी घटना घटती तो कई बड़े कैजुअल्टी जो है वो हो सकते थे, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र रहा कि इतनी बड़ी कैजुअल्टी नहीं घटी। लेकिन फिर भी लगातार एक एक कर 8 बसें जल जाना, इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और लोगों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है जिला प्रशासन नगर निगम से कि इतने बड़े बस स्टैंड में कोई भी व्यवस्था, सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो नहीं है। सीसीटीवी कैमरे जो है वो कई जगहों पर नहीं लगे हुए हैं। जिन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहाँ के ज्यादातर जो कैमरे हैं वो खराब पड़े हुए हैं। अगर अचानक किसी भी तरह की कोई कैजुअल्टी होती है, आग लगने वाली घटना जो आज घटी, अगर ऐसी घटना घटती है, तो खादगरा बस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तत्काल जो है वो आग पर काबू पा लिया जाए। आप समझिए कि बड़े बस स्टैंड में खुदा ना करे अगर किसी को हार्ट अटैक या किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित अगर आपातकालीन सेवा की जरूरत पड़ती है तो किसी भी तरह की फर्स्ट एड तक की व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि जैसे जैसे बसें चल रही थी, लोगों का जो गुस्सा था, चाहे वो बस के मालिक हो या फिर उस बस से अपना और अपना पेट चलाने वाले कर्मचारी हो, लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा था। लोगों ने आरोप लगाया नगर निगम पर, क्योंकि फिलहाल अगर बात करें तो खादगरा बस स्टैंड की जो जिम्मेवारी है वो नगर निगम की है। इससे पहले बस का जो संचालन है वो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से जो है वो चलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक रही, और उसमें इस तरह की घटनाओं के बावजूद भी जो है वो कोई जो है वो सबक नहीं लिया गया।
यही कारण है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा घटी। फिलहाल अब आगे पुलिस क्या जांच करती है, जांच में क्या कुछ सामने आता है वो देखने वाला बात होगा। लेकिन सवाल यही है कि खादगढ़ा बस स्टैंड में काम करने वाले चाहे वो कर्मचारी हो या फिर यात्री हो, यह कितना सुरक्षित है, इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। दीपक बिल्कुल सतवर्त, लेकिन एक और बात बताइए, क्योंकि ये आज बड़ा मतलब आज बड़ा बड़ी खबर थी राज्य के लिए, और एक साथ 8 बसों में आग लगी, जाहिर सी बात है इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, जांच का विषय भी है, जांच भी होगी। और सतवर्त आप इस खबर पर बने रहिए और हम आपसे तुरंत अपडेट लेते हैं। एक के बाद एक करीब 8 बसों में आग लगी है, और आपको बता दें कि एक स्टैंड पे करीब 2 घंटों के भीतर करीब 8 बसों में आग लगी है। इससे पहले दीपावली में भी जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 1 बसों में आग लगी थी और उसमें एक खलासी की मौके पर ही मौत हो गई है। तो ऐसे में सवाल तो उठता ही है, चाहे नगर निगम पर हो, जिला प्रशासन पे हो और राज्य सरकार पे हो पर हो, क्योंकि ये राज्य इस झारखंड का सबसे बड़ा बस स्टैंड था और सबसे बड़ा बस स्टैंड में आज आग लगना और वहां पे जिस तरीके से आज यात्री अपनी पीड़ा को हमारे कैमरे के सामने, न्यूज 11 भारत के रिपोर्टर के सामने अपनी पीड़ा दर्ज करवा रहे थे, ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार को, जिला प्रशासन को, नगर निगम को इस बात की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि यहां से हजारों लोग हर रोज सुबह शाम रात में अपनी यात्राओं के लिए आते हैं इस बस स्टैंड में। और आपको बता दें कि हजारों यात्री यहां से हर रोज आवागमन करते हैं, यहां पे सैकड़ों बसें खड़ी रहती है, यानी अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो यहां पे सैकड़ों बसों, दर्जनों बसों में आग लग सकती है, और खुदा न खास्ते अगर उसमें लोग हों, बैठे हुए हों, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन को, नगर निगम को इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी कोई घटना हुई और अचानक से 8 बसों में आग लगी। इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले दीपावली के मौके पर ही इसी स्टेशन स्टैंड में बस में आग लगी थी जिसमें खलासी की मौत हो गई थी। तो जाहिर सी बात है आए दिन जिस तरीके से घटनाएं होते रही हैं इस बस स्टैंड में, तो जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, नगर निगम पर सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में इस स्टैंड से यात्री आए दिन यहां से सफर करते हैं। और बड़ा सवाल यह है कि 2 घंटे में बारी बारी से 8 बसों में आग लगी है, जैसे पहले बताया गया कि करीब 3-4 बसों में पहले टर्म में आग लगी, जब दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाकर वापस लौट गए, उसके बाद कुछ देर बाद फिर 4 बसों में आग लगी। तो यानी 8 बसों में बारी बारी से आग लगना कोई ये अनहोनी नहीं कहा जा सकता, इसको कोई ना कोई जरूर साजिश ही कहा जा सकता है, किसी स्टैंड पे बार बार आग लगना और एक के बाद एक जब बुझा कर चले जाते हैं दमकल विभाग की टीम, उसके बाद फिर आग लगती है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। और यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि आखिर ये किसकी नाकामी है, किसकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी हादसा हुई है। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई जान माल के नुकसान नहीं हुए, सिर्फ बसें जली है, हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, जाहिर सी बात है जो बस के मालिक हैं उनको आज लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही, जैसा कि यात्री भी वहां पे न्यूज 11 भारत के कैमरे के सामने कह रहे थे कि यहां पे ना तो कोई फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद होती है, ना कोई एम्बुलेंस मौजूद होती है, अगर कोई अनहोनी हो जाए यहां पे तो फिर जैसा कि लोग कह रहे थे कि अगर किसी का हार्ट अटैक भी आ जाए तो फिर वो लोग कहां जाएंगे, और यहां पे हर मिनट हर घंटे हजारों लोगों की भीड़ होती है, सैकड़ों बसें इस बस स्टैंड में खड़े रहते हैं, अपनी यात्रा के लिए आते जाते हैं, ऐसे में आज एक साथ 8 बसों में आग लगना बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस पदाधिकारियों का सीसीटीवी खंगाल रही है, जो सीसीटीवी बस स्टैंड में लगाया गया है उससे खंगाल रही है, और बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध उस दौरान जिस जहां पे ये बसें खड़ी थी और जहां पे जिन बसों में आग लगी थी सीसीटीवी में वहां पे एक संदिग्ध भी दिखाई दिया। तो जाहिर सी बात है जो संदिग्ध दिखाई दिए हैं, अब पुलिस सन्नी सीधे जुड़ गया है,
और एक बार फिर हमारे साथ सत्यव्रत लाइव इस खबर पर जुड़ गए हैं। और सत्यव्रत, ये बताइए कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि यहां पे जो आज बड़ी घटना हुई है, घटना में ये शुक्र है ऊपर वाले का कि यहां पे किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, हालांकि बस मालिकों का तो लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ ही है। और जब न्यूज 11 आप वहां पे बात कर रहे थे न्यूज 11 के कैमरे के सामने, जिस तरीके से लोगों की पीड़ा थी कि भाई यहां हजार लोग इस बस स्टैंड में रहते हैं, हर रोज आवागमन करते हैं, सैकड़ों बसें होती है, तो यहां एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम तो खड़ी रहनी ही चाहिए हमेशा, क्योंकि यहां से करोड़ों रुपए सरकार को कमाई होती है। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि किसी भी तरह के जान की कोई नुकसान नहीं हुई, लेकिन माल की जो नुकसान है वो हुआ और लाखों नहीं करीब करोड़ों रुपए के जो बस थे वो जलकर स्वाहा हो गए। और जो स्थानीय लोग थे वो देखते रहे, क्योंकि आपको पता है कि बस जो है वो ज्वलनशील होता है, यानी कि बस में जो सीट लगे होते हैं, उसके जो गद्दे होते हैं, जो रैक्सिन होता है, वो आसानी से जो है वो जल जाता है, यानी कि थोड़ी सी अगर आग की चिंगारी पड़े तो आसानी से वो जो है वो आग पकड़ लेता है। साथ ही चूंकि ईंधन लगा होता है डीजल और पेट्रोल के कारण जो है वो आग काफी तेजी से फैलती है, और यही कारण है कि आप जो फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर चार ऐसे बस हैं जो कि जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। सबसे पहले आग जो है वो एक बस में लगी थी और आग जो है वो फैलती गई और करीब चार बस जो है वो उसकी चपेट में हो गए। यह जो घटना है वो इसलिए साजिश की इससे बू आ रही है, क्योंकि सबसे पहले जब खादगरा के बस में आग लगने की घटना घटी तो करीब 2 बजे के आसपास एक बस में आग लगी, और उसके महज कुछ मिनटों बाद जो है वो उससे थोड़ी दूर पर, यानी कि जो है उससे कई मीटर की दूरी पर जो है वो करीब 3 बसें जो है वो धू धू कर कर जलने लगते हैं, और करीब आधे से पौन घंटे बाद यानी कि 1 से 1.5 घंटे में 3 अलग अलग जगहों पर जो है 8 बस जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो जाता है। और लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह घटना घटी तो घटी कैसे। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत किया कड़ी मेहनत के बाद, और फायर ब्रिगेड की टीम के सहयोग से जो है वो फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर खादगरा बस स्टैंड में आने वाले राज्य ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के यात्री और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बस के जरिए अपना और अपनी पेट चलाने वाले कर्मचारी, बस मालिक आखिर खादगरा बस में सुरक्षित हैं या फिर नहीं है। जिस तरह की घटना घटी है, आप यहाँ के स्थानीय हैं और मैंने आपको देखा कि दोपहर से ही आप लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसे लगातार सहयोग कर रहे थे ताकि आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। जिस तरह की घटना घटी है, क्या इसको हम संजोग माने या फिर यह किसी तरह की साजिश थी? देखिए ये तो जांच की विषय, ये तो प्रशासन जांच करेगा, लेकिन हम लोग को जहाँ तक लगता है कि ये तो साजिश है, क्योंकि अगर बाय मिस्टेक होता है तो एक गाड़ी में लग सकता है, ये तो उधर लगा इधर लगा फिर उधर लगा, ये तो साजिश है। अब तो ये जांच का विषय, अपना प्रशासन अपना जांच करेगा, लेकिन ये जो भी हुआ ये तो चलिए अच्छा भगवान के दया से हल्के पे हुआ। ये अगर रात में होता तो हमको लगता है कि बहुत भारी मुश्किल, बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता अगर रात के समय होता तो। दिन में था, दिन में होता क्या, सब सवारी लोग रहता है यहाँ का, जितना भी लोकल हमारे भाई लोग हैं सबके सहयोग से आज दोपहर में, तो आप देखे ही हैं दोपहर में कैसे क्या क्या नज़ारा था ये, लेकिन बहुत अति हो गया था आज। फिर भी 3 अलग अलग जगहों पर, पहले जिस बस में आग लगा उसके कुछ मिनटों बाद जो है वो उससे काफ़ी दूरी पर 3 बसों में आग लगा, उसके बाद वो आग ठीक से शांति नहीं हुआ था, दमकल की गाड़ियों को लगा कि आग बुझ गया है, वापस चले गए, आप जैसे स्थानीय लोग जो थे वो वापस चले गए, फिर वहाँ से कुछ दूरी पर और तीसरी बार आग लगता है, आखिर सुरक्षित हैं यहाँ के लोग, यहाँ के जो यात्री हैं, राज्य का सबसे बड़ा जो है वो बस अड्डा है, और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुविधाएँ होनी चाहिए, आपने कहा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, अचानक अगर कोई यात्री बीमार हो जाता है तो उसकी उसका फर्स्ट एड इलाज कैसे किया जाएगा, आपने कहा कि फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अगर आग लगे तो आप लोग आसानी से जो है उस पर काबू पा सके, क्या व्यवस्था है यहाँ पर?
देखिए प्रशासन का, नगर निगम का ये तो नगर निगम के अंडर में आता है, नगर निगम के यहाँ पर किसी तरह कोई भी व्यवस्था अगर बोला जाए, अभी तक कोई व्यवस्था, इससे पहले भी 2-3 बार यहाँ पर कांड हो चुका है, हम लोग बोल भी चुके थे कि यहाँ पर एक कम से कम तत्काल में एक फायर ब्रिगेड का एक गाड़ी कम से कम इमरजेंसी रखा जाए, छोटा टैंकर, जिसमें कि क्या हो कि अगर होता है तो हम लोग तुरंत आग पर हम लोग काबू कर पाए। लेकिन वो नगर निगम को हमको नहीं लगता है कि अभी तक कोई एक्शन लिया है। आज हम लोग फिर से प्रशासन एवं नगर निगम के सभी से सदस्यों से मांग किए हैं कि हमारे यहाँ फिलहाल तत्काल में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा है कि यहाँ पर ये सिर्फ रांची राज्य झारखंड का नहीं है, यहाँ झारखंड के बाहर से भी सवारी आते हैं एवं जाते हैं। तो हम लोग प्रशासन से ही मांग किए हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से कैमरा, एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी, फर्स्ट एड का एक मैंने क्या बोलता हूँ उसको मैंने हॉस्पिटल टाइप से छोटा सा क्लिनिक अगर हो जाए, चाहे कुछ भी अगर छोटा मोटा हादसा हो तो हम लोग उसको तुरंत निपटा सकें। बिल्कुल दीपक, इससे पहले भी दीपावली के दिन रांची के खादगरा बस स्टैंड में एक अप्रिय घटना घट चुकी है। एक बस में आग लगी और आग के कारण बस में काम करने वाले 2 कर्मचारी जो हैं उनकी मौत हो गई थी। बावजूद रांची नगर निगम ने उस घटना से कोई सबक नहीं ली और यही कारण है कि इस तरह की घटना जो है वो दोबारा हुई। बड़ी घटना थी, ऊपर वाले का शुक्र था, आज जो है वो बकरीद का त्योहार था कि किसी तरह की जान की कोई नुकसान नहीं हुई, लेकिन माल का नुकसान हुआ है उन बस चालकों के लिए जो कि इसी बस के व्यापार से अपना और अपने परिवार का पेट चलाते हैं। कई लोग हैं चाहे वो खलासी के रूप में बस में अपनी सेवा दे रहे हों या फिर एजेंट के रूप में, बस मालिकों को भी नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और अब जरूरत है कि जिला प्रशासन रांची नगर निगम इस पूरी घटना से सबक ले और राज्य के सबसे बड़े बस स्टैंड में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। और अगर किसी ने जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो जल्द से जल्द पुलिस उस जो घटना करने वाले लोग हैं, जो साजिश करता है, उन्हें गिरफ्तार करे ताकि आने वाले समय में कोई भी सवारी, कोई भी यात्री खादगरा बस स्टैंड आते वक्त कभी यह नहीं सोचे कि वह खादगरा बस स्टैंड में सुरक्षित है या फिर नहीं। बिल्कुल सत्यव्रत, क्योंकि एक बड़ा मामला है और झारखंड का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, जाहिर सी बात है राज्य सरकार को, निगम कर्मियों को और जो जिला प्रशासन है उसको विशेष रूप से इस बस स्टैंड को सुरक्षा देनी चाहिए थी। यहाँ पे एम्बुलेंस सेवा व्यवस्था करवाई जानी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे हजारों यात्री हर रोज आवागमन करते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।